परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश कुरील है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। क्या देख रहे हैं 2022 के चुनाव को लेकर सरकार उत्तर प्रदेश में जो योजनाएं लागू कर रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो बोल रही है धरातल पर, क्या दिख रहा है आपको? 2017 में जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी तो 2017 में सरकारों ने ये कहा कि जो भी हमारे शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं, लड़के हैं, मैं उनको पहले स्किल डेवलपमेंट की तरफ के तहत मैं उनको डिप्लोमा दूंगा, उनको प्रशिक्षित करूंगा, उसके बाद उनको रोजगार के तहत जो हाई स्कूल इंटर या बीटेक या डिप्लोमाधारी जो भी डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी जो टेक्निकल है, मैं उनको टेक्निकल प्रशिक्षित करके उनको रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। उपलब्ध हुआ रोजगार 2017 से लगभग 2021 चार साल हो रहे हैं और चार साल के ऊपर हो गए, 2022 लगभग 3 महीने 4 महीने का और कार्यकाल बचा हुआ है, मगर अभी स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण तो दे दिया उन्होंने, सर्टिफिकेट तो बेरोजगारों को दे दिया, मगर अब उनको कारोबार करने के लिए अगर कोई फिटर से ट्रेनिंग कर रहा है या ब्यूटीशियन का कोई लड़की कोर्स कर रही है, कोई भी स्किल डेवलपमेंट के इस तरह के कोर्स हैं, और जैसे मैं अनुसूचित जात समाज से मैं बिलोंग करता हूं और अनुसूचित जात समाज का यहां पे एक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात वित्त विकास निगम जो एक अलग से जो है यहां पे विभाग है, जो वो कहते हैं कि मैं जो भी अनुसूचित जात के लोग हैं उनको मैं रोज़गार के लिए कहीं लॉन्ड्री खोलने के लिए, कहीं उनको दुकान खोलने के लिए, कहीं कारखाने खोलने के लिए, जो इनका एक कारोबार है 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का, 15 लाख रुपए तक का ये रोज़गार के लिए पैसा देते हैं, मगर इनकी एक योजना समिति होती है, ये जो ट्रेनिंग करके प्रशिक्षण लेके जो स्किल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के तहत जो बच्चे आते हैं जब ये रोज़गार के लिए मांगते हैं तो योजना समिति इनकी फाइल तो बना देती है, जितने लोगों को प्रशिक्षण लेती है फाइल तो बना लेती है, मगर जब बैंकों में जाते हैं तो ये कहते हैं कि जो गाइडलाइन है कि जो गरीब है, अनुसूचित जाति है, पिछड़ा समाज के जो लोग हैं, जो भी गरीब है, वंचित समाज के लोग हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनको बिना सिक्योरिटी का मैं उनको लोन दूंगा। अब फिटर का लड़का है वो अपनी प्लम्बरिंग की दुकान करना चाह रहा है, या फिर जो बढ़ई है कारपेंटर से सीख के लड़का आया है वो अपनी बढ़ई की कारपेंटर की दुकान खोलना चाहता, तो जब लोन का मुद्रा लोन जो इनका है तो मुद्रा लोन में कहते हैं 20,000 ले लो, 50,000 ले लो, तो 50,000 में कौन सी जो है कारपेंटर की दुकान खुल जाएगी और कौन से प्लम्बर की जो दुकान खुल जाएगी? अगर वो लड़का 4 लाख 5 लाख जो भी आज का व्यवसाय है वो 5 लाख के नीचे का कोई व्यवसाय नहीं है, बैंक उनको बिना सिक्योरिटी का कोई पैसा नहीं दे रही है, ये एक कागजी कार्रवाई है। मेरा नाम उमेश है, हम यहाँ रायबेली के निवासी हैं, फिरोज गांधी कॉलोनी से। यूपी के चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कुछ ही महीने बचे हैं जी, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, कितना जो धरातल पर जो काम करने की बात कर रहे हैं कितना सही है, कितना देख रहे हैं आप? हमारी समझ से तो इन्होंने कोई उस तरह का कार्य किया ही नहीं, जिससे अब ऐसे हम युवा हैं और हमने बीएड किया हुआ है, टीटी पास भी हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारा आदेश भी है, उसके बावजूद सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगारों के प्रति तो कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। आए दिन इको गार्डन में हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बावजूद वहाँ पर सिर्फ ये है कि गेट से निकलने नहीं देंगे और हमारी बात सुन नहीं रही है सरकार। सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि हम लोग हर आदमी से मिलते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी जब 2017 में इनको चुनाव लड़ना था तो हमारे बीच में हम लोग वहाँ बैठे हुए थे इको गार्डन में, तो ये वहाँ गए और बोले कि मेरी सरकार मेरी सत्ता बनाओ, और हम आते ही पहला काम ये करेंगे कि आप लोगों को रोज़गार देंगे, और उसके बाद आज 22 हो गई है, 22 आने वाली है और विधानसभा चुनाव सर पे है, उसके बावजूद आज तक इन्होंने रोज़गार की बात छोड़िए मिलना तक मुसाबित नहीं समझते ये सरकार। आने वाले समय में किसकी सरकार को आप बनाना देख रहे हैं? देखिए जितने भी यूपी के युवा हैं, जैसे जो भी बीएड किए हुए हैं, बीटीसी किया हुआ है, जो भी
टेक्निकल है जैसे आईटीआई किए हुआ है, जितने भी युवा हैं जो उसको रोजगार देगा उसी की सरकार 22 में आएगी। इससे पहले जो सरकारें थी आपको कौन सी सरकार सबसे सही लगी? देखिए कानून व्यवस्था के मामले में तो मायावती जी की सरकार अच्छी थी, और उसके बाद और मान के चलिए अखिलेश यादव ने भी भर्तियाँ की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भर्तियाँ नहीं की, लेकिन कुछ भर्तियाँ उन्होंने गलत तरीके से कर ली, जैसे शिक्षा मित्र थे उनको इन्होंने गलत तरीके से भर्ती कर लिया, जिसका खामियाजा आज देखिए वो लोग सड़कों पे हैं, रोड पे हैं, कोई वो नहीं हुआ। और बेरोजगार आज की डेट में सब बेरोजगार पूरी यूपी में घूम ही रहा है। अब अपनी मैनिफेस्टो में ये लोग डालें और उसको लिखित आश्वासन दें, हमको जितने भी बेरोजगार लोग उनको लिखित आश्वासन दें कि मेरी सरकार बनेगी तो हम आप लोगों को प्राथमिकता के तौर पर योग्यता के अनुसार आपको नियुक्तियाँ देंगे। उनके पास वैकेंसी भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि कोई नए पद सृजित करना है, पैसे की कमी है, अब क्या बताया जाए। सबसे ज़्यादा विकास किसके आप शासनकाल में देखा है और आने वाले चाहते हैं उसी का शासन हो? विकास कार्य तो हमने अखिलेश यादव के शासनकाल में देखा है, उन्होंने विकास किया, रोड बनवाया, हाईवे बनवाया, और भी बहुत विकास के कार्य किए, एम्बुलेंस चलवाए, 100 नंबर चलाए। युवाओं को क्या देख रहे हैं, किस ओर झुक रहा है अभी रायबरेली जिले में? रायबरेली के युवा तो यही चाहते हैं कि जिसकी भी सरकार बने जो युवाओं के पास ध्यान दे, बेरोजगारी दूर करे। ये लोग कह रहे हैं महिला उत्पीड़न है, ये है सब गुंडाराज, सब सरकारों में सर कभी बंद ही नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, यही महिला उत्पीड़न सब में हो रहा है, चल रहा है, कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, आए दिन सब हुआ करता है, कोर्ट कचहरी सब चल रहा है। आप महिला थाने में जाके देखिए क्या उत्पीड़न नहीं हो रहा है महिलाओं के साथ।